नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं बीएनएन न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबर से। महिला और बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा गुरुवार को रेलवे स्टेशन में नाबालिग बच्चों की सुरक्षा और संरक्षा को लेकर चाइल्ड लाइन का पहली वर्षगांठ बरवाड़ी स्टेशन स्थित कार्यालय में केक काटकर मनाई गई। इस दौरान चाइल्ड लाइन से जुड़े टीम के सदस्यों द्वारा आरपीएफ और रेलवे स्टेशन के अधिकारियों के साथ मिलकर अपने एक वर्ष की बेहतर उपलब्धि को यादगार बनाने के लिए केक काटकर पहली वर्षगांठ मनाई। साथ ही मौके पर मौजूद बच्चों को केक खिलाकर उन्हें बधाई दी। चाइल्ड लाइन के शंभू कुमार ने बताया कि हमारी टीम द्वारा 24 घंटे तक रोजाना रेलवे स्टेशन में बच्चे से जुड़े मामलों को गंभीरता से लेते हुए बच्चों के लिए यात्रा के दौरान मानव तस्करी का शिकार ना हो, समेत किसी भी तरह की परेशानी होने पर उन्हें सुविधा मुहैया कराने का काम किया जाता है। टीम के सदस्य शिल्पा कुमारी ने बताया कि रेलवे में किसी भी व्यक्ति को कोई बच्चा भूला भटका, घायल, गुमशुदा या ऐसा बच्चा जो अपनी पारिवारिक स्थिति के कारण शिक्षा व अन्य मूलभूत सुविधाएं उसको नहीं मिल पा रही है, इन सभी दशाओं में उक्त बच्चों की मदद संस्था के द्वारा की जाएगी। आप किसी भी फोन से 1098 नंबर डायल करके ऐसे बच्चों की सूचना नजदीकी चाइल्ड लाइन में कार्यरत स्वयंसेवी को दे ताकि उसकी मदद की जा सके। इस मौके पर राजीव रंजन, शंकर कुमार, उदय कुमार, शंभू कुमार, मनीषा कुमारी, शिल्पा देवी, मालती कुमारी, निर्मला कुमारी, दिव्या कुमारी, शिखा कुमारी, रविशंकर, शंभू गोस्वामी, कंचन कुमार समेत कई अन्य कर्मी और बच्चे मौजूद थे। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बीएनएन न्यूज़।